हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों मर्चेंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस अकाउंट। दोस्तों अगर आपके पास कोई दुकान है और आप अपना वहां पर मर्चेंट अकाउंट का QR कोड लगाते हो तो कोई भी आपको पेटीएम से पेमेंट कर सकता है। और दोस्तों अगर आपके पास दुकान नहीं भी है फिर भी आपके लिए मर्चेंट अकाउंट बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं और जिनमें से मेन फायदा ये है कि आप किसी के भी पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो बिना किसी KYC के। तो दोस्तों अगर आपको भी मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपने लॉक लगा के रखी है तो उसे अनलॉक कर लेना है। अब दोस्तों आपको ऊपर की तरफ एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर टैप कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टैप कर देना है एक्सेप्ट, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट पेमेंट का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। जहाँ पर पहले नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है बिजनेस नेम का, आपको वहाँ पर या तो अपनी दुकान का नाम डाल देना है या अपना नाम भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। अब दोस्तों नाम डालने के बाद आपके सामने जो नीचे का ऑप्शन दिख रहा है बिजनेस कैटेगरी वाला, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो ऐसे ही कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट किया है। अब आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है सब कैटेगरी का, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी कुछ सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं दुकान के लिए नहीं बना रहा हूँ तो ऐसे ही कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक बॉक्स दिख रहा होगा गेट योर QR कोड वाला, आपको वहाँ पर चेक मार्क कर देना है। अब दोस्तों नीचे की तरफ जो बटन दिख रहा है प्रोसीड का, आपको वहां पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहां पर अलाउ कर देना है और दोस्तों ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहां पर थोड़ी देर तक वेट कर लेना है, यहां पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों टाइमर स्टार्ट होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप वेट कर लेंगे वहाँ पर, तो आपके सामने लिख के आ जाएगा यहाँ पर एक्टिवेट वॉलेट, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल रहा है पिन कोड का, यानी अपनी एरिया का पिन कोड डाल देना है और नीचे एड्रेस डाल देना है, यानी अपने गाँव या शहर का नाम, और सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको वहाँ पर डाल देना है पैन कार्ड का नंबर और नाम डाल देना है जो पैन कार्ड पर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों अगर आप 18 साल से कम के हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप किसी का भी ले सकते हैं अपने घर में से, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मेरा एक्टिवेट हो चुका है वॉलेट। दोस्तों वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद जब आप 3 डॉट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है बिजनेस वाला है, और एक आ जाता है पर्सनल वाला, जिसमें आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, व्यू QR कोड, पेमेंट, सेटलमेंट, सब कुछ मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना QR कोड डाउनलोड कर सकते हो और आप किसी को भी ये शेयर कर सकते हो, जिससे वो आपको पेमेंट कर पाएगा। तो दोस्तों QR कोड डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे की तरफ जो डाउनलोड बटन मिलता है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा QR कोड। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।